हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइव स्टार जर्नी। फिर से एक और नई बस जर्नी के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेवल करने वाले हैं जैसलमेर से अहमदाबाद का, और हमारी बस रहने वाली है एमआर ट्रेवल्स की, भारत बेंच की। अभी एमआर ट्रेवल्स ने हाल ही में एक नई बस जर्नी चालू की है, जो है जैसलमेर से बेंगलोर। यह है इंडिया का मोस्ट लॉन्गेस्ट बस जर्नी रूट है, कहने मतलब इंडिया का सबसे लंबा रूट है, जो है जैसलमेर से बेंगलोर, और उसके बाद में है जैसलमेर से जोधपुर। और एमआर ट्रेवल्स की वैसे सारी बसें चलती है, बेंगलोर से जोधपुर चलती है, बेंगलोर से नागौर चलती है, और महादेव की चलती है। तो आज हम लोग वही बस को कैप्चर करने के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एमआर ट्रेवल्स के ऑफिस पे। और बात करें जैसलमेर में हमारे लोकेशन की, तो फ्रेंड्स जैसलमेर में हमारा लोकेशन है एयरफोर्स सर्किल। ये पीछे हमारे एयरफोर्स सर्किल, इसी को एयरफोर्स सर्किल कहते हैं। और इधर सामने हमारी एमआर ट्रेवल्स की बस खड़ी है, ये रही सामने हमारे एमआर ट्रेवल्स की इधर बस खड़ी है। तो आज की हमारी जर्नी रहने वाली है जैसलमेर से अहमदाबाद की। अभी हम लोग आपको बस को दिखा देते हैं अंदर से कैसे क्या इंटीरियर रहने वाला है। तो ये है एमआर ट्रेवल्स की बस सामने खड़ी है, और इधर ये एमआर ट्रेवल्स का ऑफिस। ये एसएस ट्रेवल और एमआर ट्रेवल्स दोनों साथ में ही है। जैसलमेर से बेंगलोर अभी नई चालू की है एमआर ट्रेवल्स ने सर्विस, जो कि इंडिया का मोस्ट लॉन्गेस्ट रूट है। अभी हम लोग बोर्ड करेंगे तब बताएंगे। और यहाँ से निकलने का टाइमिंग है 12:30, और अभी टाइम हुआ है तकरीबन 12:20 के लगभग, और 10-15 मिनट में हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन तरफ, यानी अहमदाबाद की तरफ। तो ये कुछ बस खड़ी है। तो फ्रेंड्स, इधर सामने हमारी एमआर ट्रेवल्स की बस। और लोकेशन की बात करें तो हमारा लोकेशन है एयरफोर्स सर्किल। इधर को एयरफोर्स सर्किल है, ये सर्किल दिख रहा है, इसको एयरफोर्स सर्किल कहते हैं। और इधर पे हमारा ट्रेवल ऑफिस है। तो आज की हमारी बस जर्नी रहने वाली है जैसलमेर से अहमदाबाद, और हमारी बस रहने वाली है एमआर ट्रेवल्स की, भारत बेंच की बस है। अभी हम लोग आपको इंटीरियर वगैरह, रूट वगैरह, क्या स्लीपर प्राइस, क्या सीट प्राइस, सारी डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे जैसे सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आपको डिटेल्स में बात करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाइव स्टार जर्नी। और अगर आप जैसलमेर से अहमदाबाद या अहमदाबाद से जैसलमेर की बस जर्नी का प्लान कर रहे हो, तो ये वाला व्लॉग हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी रूट की, प्लस स्लीपर प्राइस की, क्या फैसिलिटी है, बस स्टाफ का बिहेवियर, पूरी डिटेल में बात करेंगे। कहाँ बस में अपन को होटल वगैरह रुकने के लिए, तो डिटेल्स में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाइव स्टार जर्नी। तो आपको बस का पूरा बाहर से दिखा देते हैं लुक कैसा क्या रहने वाला है। इधर एमआर ट्रेवल्स बस सर्विस नाम लिख रखा है, पीछे का आपको इंटीरियर दिखा देते हैं एक बार। और इधर ये रूट वगैरह भी लिख रखा है, जैसलमेर, बाड़मेर एंड बेंगलोर, ऊपर की तरफ रूट वगैरह डिटेल्स में लिख रखा है। और ये कुछ पीछे का लुक है हमारी बस का, ऐसा इंटीरियर है बाहर का। कुछ आपको थोड़ी देर में अंदर का इंटीरियर वगैरह सारी डिटेल्स में दिखा देंगे। तो आपको अंदर का इंटीरियर वगैरह दिखा देते हैं। तो ये कुछ डैशबोर्ड है हमारी गाड़ी का। उधर ये आगे की तरफ जैसलमेर है, और पीछे की तरफ बेंगलोर है। हम लोग निकल रहे हैं बेंगलोर की तरफ, तो उधर की तरफ बेंगलोर लिख रखा है, जैसलमेर अंदर की तरफ है। और बेंगलोर से आती है गाड़ी तब जैसलमेर आगे की तरफ हो जाता है, बेंगलोर पीछे की तरफ होता है, नंबर ये नाम प्लेट है। तो ये कुछ डैशबोर्ड है, और ये कुछ स्टीयरिंग वगैरह, भारत बेंच की गाड़ी है। और ये कुछ स्लीपर के चार्ट वगैरह है, जहाँ जहाँ से वो पैसेंजर वगैरह बोर्ड करेंगे उसका कुछ चार्ट है। तो इधर है हमारे ड्राइवर दादा। तो ड्राइवर दादा क्या नाम है आपका? राम नाम है। अच्छा, तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो ये सर्विस कब से स्टार्ट हुई है सर? ये सर्विस हो गया सर 1.5 साल हो गए। डेढ़ साल हो गए यहाँ से डेली सर्विस जैसलमेर से। अच्छा अच्छा, सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, तो 1.5 साल हो गए सर। माइलेज वगैरह कितना है गाड़ी का? गाड़ी का माइलेज ठीक है, अच्छा है।
सिद्धार्थ तीन का देती है या चार का? ये चार का देता है। चार का देता है। और कितना टाइम लगता है सर बैंगलोर पहुंचने में? 48 घंटा लगता है। अच्छा, अरे 36 घंटा। अच्छा 36 घंटा लगता है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, भीड़ भाड़ मुंबई में तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, बाकी अगर भीड़ भाड़ ना हो तो आराम से 48 घंटे में पहुँच जाती है गाड़ी। तब लोग आपको अच्छा सुहाना सफर होता है। चलो मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ये आपको देखने को मिल जाता है सेमी स्लीपर सीट, 8 आपको सेमी स्लीपर सीट देखने को मिल जाती है। इसमें ये पुश बैक वाला सिस्टम भी है, इधर ये गियर वगैरह दे रखा है जिससे आपको सीट पुश बैक हो सकती है, बाकी कंफर्टेबल है सीट भी। और सामने आपको देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए सॉकेट, और इधर देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ एसी के ब्लोअर्स, इधर आपको देखने को मिल जाता है रीडिंग लाइट। तो ये 8 सीट है, इसमें सब में एसी के ब्लोअर्स सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये नीचे का 1 का स्लीपर आपको दिखा देते हैं, इसमें कुछ फैसिलिटी ये है, इधर आपको देखने को मिल जाता है एसी का ब्लोअर्स, इधर आपको रीडिंग लाइट, और इधर आपको एसी का ब्लोअर ऊपर की तरफ में, इधर आपको देखने को मिल जाती है ब्लैंकेट, इनबिल्ट पिलो, सॉकेट, मोबाइल होल्डर वगैरह सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। और बात करें हमारी सीट, तो हमारी सीट है S4 किधर मिलेगा, पीछे तो नहीं है शायद, ये वाली सीट होनी चाहिए S4। कौन सी S4 सीट? आई थिंक ये होना चाहिए S4। अच्छा ठीक है, हमारी सीट है ये S4। तो ये नीचे का 2 का स्लीपर है, इसमें आपको इनबिल्ट पिलो वगैरह, सामने चार्जिंग के लिए 2 सॉकेट, 2 मोबाइल होल्डर मिल जाते हैं, प्लस इधर 2 AC के ऊपर की तरफ ब्लोअर्स मिल जाते हैं, इधर रीडिंग लाइट मिल जाती है, पैरों की तरफ में 1 AC, प्लस 2 ब्लैंकेट जो भी रख देंगे यहाँ पे। तो ये नीचे का 2 का कॉम्बिनेशन है, और ये कुछ ऊपर का 2 का कॉम्बिनेशन है। ऊपर के 2 के कॉम्बिनेशन में आपको ये शटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए, और अंदर की तरफ ये कर्टन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आपको अंदर का कुछ इंटीरियर दिखा देता हूँ ऊपर का। ये इनबिल्ट वगैरह पिलो मिल जाते हैं, प्लस 2 ब्लैंकेट मिल जाएगी इसमें, सामने छोटा मोटा सामान वगैरह रखने को देखने को मिल जाता है, इधर एसी के 2 ब्लोअर्स, सामने रीडिंग लाइट, और उधर भी एसी का ब्लोअर्स, और 2 सॉकेट मिल जाते हैं आपको चार्जिंग के लिए, मोबाइल होल्डर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ ऊपर का कॉम्बिनेशन है 2 का। और इधर बात करें 1 का कॉम्बिनेशन की, तो कुछ ये है 1 का कॉम्बिनेशन, इसमें भी आपको शटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, प्लस कर्टन्स वगैरह है। बाकी आपको ऊपर का कॉम्बिनेशन भी दिखा देते हैं 2 का, इनबिल्ट पिलो वगैरह देखने को मिल जाएगा, एसी के ब्लोअर्स, सॉकेट, मोबाइल होल्डर, रीडिंग लाइट, और एक पैरों की तरफ में एसी का ब्लोअर्स, सामने कुछ छोटा मोटा सामान वगैरह रखने को देखने को मिल जाएगा, और इधर नाम लिख रखा है MR ट्रेवल्स। और बात करें सामने लिख रखा है थैंक्स फॉर विजिट, और सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक CCTV कैमरा। और पीछे की बात करें तो पीछे का आपका कुछ इंटीरियर दिखा देते हैं, इधर आपको देखने को मिल जाता है सीट नंबर, MR ट्रेवल्स का नाम। ये सबसे पीछे वाला है 1 का कॉम्बिनेशन, इसमें आपको इधर सॉकेट वगैरह सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, सॉकेट, मोबाइल होल्डर, और सामने एसी का ब्लोअर, रीडिंग लाइट। और ये सबसे पीछे का, ये सबसे नीचे का, सबसे लास्ट वाला जो इमरजेंसी एग्जिट भी है इधर। तो ये स्लीपर अधिकतर किसी को देते नहीं है, क्योंकि इसमें पीछे की तरफ है इमरजेंसी एग्जिट, बाकी की ये फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी वीडियो कैसी लगी मेरे, thank you.
गजब ड्राइविंग चल रही है जैसा कंपटीशन चल रहा है वैसे ड्राइविंग चल रही है, बट क्या थोड़ा गाड़ी लेट हो रही है इसलिए। तो फ्रेंड्स जैसलमेर से अहमदाबाद के डिस्टेंस की बात करें तो हमारा डिस्टेंस रहने वाला है तकरीबन 550 किलोमीटर के लगभग, और हमें बस जर्नी में टाइम लगेगा तकरीबन 11 से 12 घंटे के लगभग। और रूट की बात करें तो जैसलमेर से अहमदाबाद का हमारा रूट रहने वाला है जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बाड़मेर से पालनपुर, पालनपुर से मेहसाना होते हुए अहमदाबाद, और हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट भी अहमदाबाद ही है। और अहमदाबाद में हम लोग उतरेंगे शाही बाग। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाइव स्टार जर्नी। बाकी हम लोग आगे आगे डिटेल्स में बात करते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग अहमदाबाद की तरफ निकलेंगे, वैसे वैसे बस के बारे में, ऑपरेटर के बारे में। नई बस एम आर ट्रेवल्स ने दो नई वोल्वो भी और ली है, तो उसका भी रूट का हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए जल्द से जल्द हम लोग नई वाली वोल्वो का व्लॉग ला पाएँ। और अभी तो उनका बॉडी बिल्डर का काम चलता है, चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का काम, जसवंत आई थिंक जसवंत वाले ही बना रहे हैं उसको बॉडी बिल्डिंग अंदर से। बाकी एम आर ट्रेवल्स ने वोल्वो भी ले ली है, दो वोल्वो ली है 9600, उनका काम चल रहा है। वो कौन से रूट पे ऑपरेट करेंगे उसको वो अपन लोग ड्राइवर दादा से या कहीं बात करके पता करने की कोशिश करेंगे, अगर हो पाया तो आपके लिए उसका इनॉग्रल बस जर्नी का व्लॉग लेके आएंगे, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो फ्रेंड्स गाड़ी चलती है जैसलमेर से बेंगलोर, जो कि इंडिया का कहीं ना कहीं लॉन्गेस्ट बस रूट है, जिसमें एम आर ट्रेवल्स की एक तो चलती है जैसलमेर से बेंगलोर, ठीक है, और दो वोल्वो नहीं चार वोल्वो चलती है बेंगलोर से जोधपुर और जोधपुर से बेंगलोर, ठीक है। और बजरंग ट्रेवल्स के नाम से भी एक बस ऑपरेटर है जिनकी बस भी चलती है जैसलमेर से बेंगलोर और बेंगलोर से जैसलमेर, और एक है जाखट ट्रेवल्स ऑपरेटर, उनकी भी बस चलती है जोधपुर से बेंगलोर और बेंगलोर से जोधपुर, और एक है महादेव ट्रेवल्स जिनकी बस चलती है जयपुर से बेंगलोर और बेंगलोर से जयपुर। ये सारे रूट इंडिया के मोस्ट लॉन्गेस्ट बस जर्नी के रूट हैं जिन पे राजस्थान वालों ने अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रखी है। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ के जैसलमेर से बेंगलोर के डिस्टेंस की, तो फ्रेंड्स जैसलमेर से बेंगलोर का डिस्टेंस है तकरीबन 2100 किलोमीटर के लगभग, यानी 2100 किलोमीटर, ठीक है। और बस को टाइम लगता है कहीं ना कहीं 48 घंटे के लगभग, 48 से 50 घंटे के लगभग अगर ट्रैफिक नहीं हो तो। अगर ट्रैफिक रहता है तो बस को ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, बाकी 48 घंटे तो नॉर्मल बस ले लेती है जैसलमेर से बेंगलोर जाने के लिए, ठीक है। और रूट की बात करें तो बस का रूट रहने वाला है जैसलमेर, जैसलमेर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से वडोदरा, वापी सूरत होते हुए मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से बेंगलोर, ये कुछ बस का रूट है। और बात करें टिकट प्राइस की तो टिकट प्राइस डायनेमिक फेयर है, बढ़ता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, इसका फिक्स रेट नहीं होता है बस का। और जैसलमेर से बात करें तो जैसलमेर से दो ऑपरेटर है बेंगलोर जाने के लिए, एक तो है जय बजरंग ट्रेवल्स के नाम से और एक है एम आर ट्रेवल्स के नाम से, जो कि हमने एम आर ट्रेवल्स में भी बोर्ड कर रखा है। तो फ्रेंड्स अब हमारे बारे में बात कर लेते हैं हमारी बस जर्नी कहाँ से कहाँ तक होने वाली है। तो फ्रेंड्स हमारी बस जर्नी रहने वाली है जैसलमेर से अहमदाबाद। अगर आपको जैसलमेर से बेंगलोर की पूरी बस जर्नी देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मेरे को पता चले, और अगर आप जैसलमेर से मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जैसलमेर ज़रूर लिखें, और अहमदाबाद से देख रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अहमदाबाद ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हमारे बारे में बात कर लें तो हमारी बस जर्नी रहने वाली आज की जैसलमेर से अहमदाबाद। और बात करें बस के किराए की तो फ्रेंड्स मैंने पे किया है इस बस के रूट का किराया 1000 रुपये, जो कि मेरे को स्लीपर मिला है ऊपर का स्लीपर जिसमें मैंने पे किया 1000 रुपये, और फैसिलिटी मैंने आपको पूरी दिखाई दी, ठीक है। और बस रही बात बस की तो बस कहाँ पे नाइट कर लिए डिनर करेगी वहाँ पे हम लोग आपको पूरा डिटेल बता देंगे डिनर के लिए कहाँ रुकेगी गाड़ी और अहमदाबाद कितनी बजे पहुँचेगी। बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर से निकलने का टाइमिंग है 12:45, यानी 12:45 लगभग 1 बजने वाले हैं जैसलमेर से निकलने के लिए, और कहीं ना कहीं हमें अहमदाबाद छोड़ देगी रात को 12 बजे के लगभग, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब ताकि आपके लिए ऐसी मज़ेदार बस जर्नी मैं और ला सकूँ।
और वैसे बात करूँ तो आप चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चल जाते हो। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है भाई बनाने में और भी ज़्यादा। ठीक है, आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम लोग पहुंचे अभी बाड़मेर, और टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 3:30 के लगभग, यानी 3:30 बजे हैं और हम लोग पहुंचे अभी बाड़मेर।
फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं वापस सांचौर से अहमदाबाद की तरफ, और टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 6:25 के लगभग, और हम लोग वापस निकल चुके हैं अहमदाबाद की तरफ। जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। सांचौर, और सांचौर से अहमदाबाद के डिस्टेंस की बात करें तो सांचौर से अहमदाबाद का डिस्टेंस है तकरीबन 250 किलोमीटर के लगभग, और जर्नी में हमें टाइम लगेंगे। अभी टाइम हुआ कुछ 6:00, बाकी हम लोग नाइट में अहमदाबाद पहुंचेंगे 11 से 11:30-12 बजे के बीच में। और बात करें जैसलमेर से सांचौर का डिस्टेंस, तो फ्रेंड्स जैसलमेर से सांचौर का डिस्टेंस है तकरीबन 300 किलोमीटर के लगभग। हम लोग रवाना हुए थे 1 बजे, यानी 12:30-1 बजे गाड़ी का राइट टाइम था, लेकिन हम लोग 1 बजे रवाना हुए थे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:00 हैं, यानी कि 5-6 घंटे हम लोग को यहाँ आने में लग गए 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में सांचौर आने में। अब यहाँ से हम लोग रवाना हुए हैं वापस अहमदाबाद की तरफ, यानी हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ, तो हमें टाइम लगेगा कम से कम 5-6 घंटे और लग जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 5-स्टार जर्नी। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं डीसा, और टाइम की बात करें टाइम हुआ कुछ 8:15 के लगभग, और डीसा पहुंच चुके हैं। डीसा से अगला हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है पालनपुर, और पालनपुर के बाद में मेहसाणा, मेहसाणा से फिर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद हम लोग पहुंच जाएंगे तकरीबन 11:30-12 बजे के बीच में, क्योंकि गाड़ी अभी चल रही है बिल्कुल राइट टाइम पर। तो वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स हमने लिया एक डिनर के लिए रेस्ट ऑफ, तो होटल का नाम है श्री आई माता होटल, और लोकेशन की बात करें तो हमारा लोकेशन है कुछ मेहसाणा, यहाँ से 7 किलोमीटर के लगभग है, यहाँ से 7 किलोमीटर के लगभग मेहसाणा। इधर हमारी गाड़ी खड़ी है एमआर ट्रेवल्स की, और सामने होटल है आई माता। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको तकरीबन टाइम लगेगा 2 से 2.5 घंटे के लगभग अहमदाबाद पहुँचने में, जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। और अभी टाइम हुआ कुछ 10:00।
9 बज के 45 मिनट हुए, यानी 10 बजने वाले हैं। ये कुछ होटल का इंटीरियर है। खाने के लिए मेरे को बोलना उधर अंदर में मेरे साथ। ये कुछ फैसिलिटी है होटल की। इधर अलग अलग तरह के काउंटर लगा रखे हैं और एक काउंटर बाहर की तरफ उधर की तरफ भी है और अंदर पूरा होटल है। ऐसा कुछ अंदर का अरेंजमेंट है डिनर के लिए। बस जर्नी अहमदाबाद ही, अभी 2 घंटे में अहमदाबाद पहुँच जाएगी। 12 बजे तक पहुँच जाएगी। हाँ, साढ़े बारह पुना दोपहर को 3 बजे के लगभग। 12:30 बजे ट्रेन है, मिल जाएगी। क्या बुलाऊँ, क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं मेहसाणा। यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर के लगभग अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं वापस डिनर करके अहमदाबाद की तरफ, यानी हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ। और टाइम की बात करें तो टाइम हुआ अभी 10:30 के लगभग, यानी 10:30 हुए और हम लोग निकल चुके हैं। आधा पौन घंटे का रेस्ट स्टॉप था यहाँ पे डिनर के लिए और अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं। बाकी खाना बहुत ही अच्छा था यहाँ का। अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो ये एक बार आई माता होटल से जरूर ट्राई करें खाना पीना। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं पालनपुर और टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 8:50 के लगभग, यानी 9 बजने वाले हैं 10 मिनट में। और अभी हम लोग पहुंचे हैं पालनपुर। पालनपुर को क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। पालनपुर से बाहर निकलते ही रेस्ट स्टॉप लेंगे ऑफिशियली डिनर के लिए।